दोस्तों आज के इस वीडियो में यार हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेयर ड्रायर का डीसी मोटर। दोस्तों इस डीसी मोटर की आरपीएम जो है 39 से 40 हज़ार आरपीएम होता है, बहुत ही हाई स्पीड है आरपीएम इसका दोस्तों, और ये ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये ख़राब हुआ है तो आज के इस वीडियो में यार हम आपको इसको रिपेयर करके दिखाने वाले हैं, और एक भी पैसा नहीं लगने वाला है आपके जेब से, क्योंकि यार इसको ठीक करना बहुत ही आसान है। इसके अंदर कुछ भी खराब हो जाएगा तब भी हम आपको इसको रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। अगर वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, और आप लोग भी अपने घर पर ही इसको ठीक कर पाओगे बिना भी एक पैसे खर्च किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह के नए वीडियो बनाएं तो आप तक इसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं किस तरह से इसको रिपेयर करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा किसी तरीके से ऑन दिस। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास हेयर ड्रायर का डीसी मोटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्दा यानी कचरा लगा हुआ है, काफ़ी पुराना है ये। तो इसको हमें सबसे पहले टेस्ट करना है, और मैं बैटरी से टेस्ट करूँगा। मेरे पास है यहाँ पर मोबाइल का बैटरी, तो इससे मैं थोड़ा सा पावर दूंगा। और गाइज ये काफ़ी हाई आरपीएम का है। यहाँ पर इसके अंदर लगा हुआ है 4 डायोड, यानी कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसी के साथ से इसको हम डायरेक्ट 220 वोल्ट से इसको चला सकते हैं, और आई थिंक चलता था ये पहले जब मशीन में लगा हुआ था। तो अब हमें इसको डायरेक्ट डायोड को हटाने के बाद, यानी कि डायोड का कनेक्शन ना करते हुए, यहाँ से इसको हमें डायरेक्ट देना है पावर। अब देखते हैं कुछ इस तरह से ये काम करता है या नहीं। तो ये मोटर ही सही है दोस्तों, कुछ इस तरह से देख सकते हो इसका मोटर चल रहा है। बस यही है गाइस कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा जो लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कचरा हुआ है। तो इसी वजह से इसकी मोटर जो आरपीएम है काफ़ी स्लो है, और इसकी फैन को निकाल कर अच्छे से इसकी सफाई कर देंगे, यानी कि सर्विसिंग कर देंगे, और ये अच्छे तरीके से फिर से काम करने लगेगा, क्योंकि इसका मोटर ख़राब नहीं है। जो मेरे दोस्त ने इसको दिया था मुझे, उसने बताया था कि ये मोटर ख़राब है, इसीलिए उसने मुझे दे दिया था, तो इसीलिए गलती से मेरे हाथ लग गया। तो काफ़ी काम की चीज़ है ये। इसके फैन को यहाँ पर निकाल कर अच्छे से सफाई करेंगे। मोटर को भी निकाल देते हैं यहाँ से खोलने के बाद। कुछ इस तरह से इसके अंदर ये 555 शायद मोटर लगा हुआ है, या 375, इसका मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि मोटर पे भी नंबरिंग नहीं किया गया है, तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं इसको। बट इसके डायोड को यहाँ से जो लगा हुआ है इसके ऊपर डायोड, इसको हम निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से इसके डायोड को मैंने निकाल लिया है। अब ये मोटर को भी अलग कर देते हैं, इसके डायोड को भी टेस्ट कर लेंगे। एक डायोड बिल्कुल सही होगा मुझे लगता है, जहाँ तक इसको साइड में रखते हैं जल्दी डायोड ख़राब नहीं होता ना, इसीलिए। तो अब हमें इसके अच्छे से ऊपर जो है यहाँ पर काफ़ी कचरा है, अभी देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको सफा कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से इसको मैंने साफ़ कर दिया है, अब ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बिल्कुल साफ हो गया है। और इसके बॉडी को यहाँ पर भी साफ कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा अच्छे से इसको सफाई करने के लिए थोड़ा सा मैं इस पर सैनिटाइजर को मारूंगा, ताकि अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल नया लगने लगेगा। तो अब देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल नया लगने लगा है, ऐसा लगता है जिसे अभी नया आया हुआ है मार्केट से। तो कुछ इस तरह से सफाई करने का इसका यही फायदा सैनिटाइजर से, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, नया हो गया बिल्कुल ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर साइड में, थोड़ा सा इसको सैनिटाइजर से इसको भी साफ कर लेंगे, बाद में इसके अंदर ऑयल लगते हैं।
दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई कर दिया है, तो इसको दोबारा से इसके अंदर पैक कर देंगे जैसा था ये पहले ही। इसके स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल को ऑयल को डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल फ्री हो जाए और आसानी तरीके से मूव करने लगे, ताकि अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ही तो इसके अंदर हमें अच्छे से ऑयल को डाल देना है ताकि इसका बॉडी जो है मैग्नेट इसके अंदर आसानी से फ्रैक्शन कर पाएगा, ताकि अच्छे तरीके से चलेगा, ये बिल्कुल फ्री होगा तो इसके अंदर के पार्ट। तो कुछ इस तरह से इसके अंदर हमने इसको डाल दिया है अच्छे तरीके से, ऑयल को भी फिल कर दिया है। अब इसको बंद करते हैं, इस साइड रखते हैं। तो अब हमें इसके अंदर जो यहाँ पर फालतू तेल हुआ है, तेल इधर उधर अभी बह रहा है समझ लीजिए, वरना गर्दा बहुत ज़्यादा इस पर जमेगा, इसलिए हमें रुई से इसको अच्छे से सफाई कर देना है, सुखा लेना है इसके तेल को, फालतू जो तेल इधर उधर है इसके बॉडी पर लगा हुआ है। कुछ इस तरह से इसके बॉडी पे फालतू लगा हुआ तेल को हमने सुखा लिया अच्छे तरीके से। अब इसका आपको फैन लगाते हैं और फिर तरीके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर दिया है, इसको मैंने ऑयल भी डाल दिया है ताकि ये बिल्कुल फ्री चलने लगेगा और अब अच्छे तरीके से चल रहा है। तो अब हम इसके फैन को उठाकर सिंपल इसके अंदर डाल देंगे और फिर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से इसके फैन को फिक्स कर दिया है। अब इसको नॉर्मल में आपको टच करके दिखाता हूँ यहाँ पर बैटरी से। दोस्तों देख रहे हो काफी अच्छे तरीके से काफी तेज हवा दे रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर ये कागज टुकड़े उड़ने लगे, ऑटोमेटिक उड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपने देखा कि इसको रिपेयर कर दिया, बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं लगा और काफी अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। तो आप लोग भी इसको ठीक कर सकते हो अपने घर पर ही, और अगर खराब होता है तो इसका बुश जो होता है यहीं पर ये खराब हो जाता है, तो इसके या फिर कॉपर की वाइंडिंग जो होती है वो जल जाता है कभी कभी। तो क्या होता है कि इसके अंदर हम कॉपर वाइंडिंग कर देते काफ़ी अच्छे तरीके से और ये फिर भी ठीक हो जाता है। कुल मिलाकर ये ठीक ही होना था इसको और पैसे एक भी लगने वाले नहीं है। तो आप भी इसको अपने घर पर ठीक कर सकते हो। इस तरह से आपका हेयर ड्रायर का मोटर खराब हो गया है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो। बस तो इतना ही काम इसके अंदर था। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में नए टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।